जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सैकड़ों ने बढ़ाए मदद को हाथ। जिलाधिकारी भदोही गौरांग राठी की मार्मिक अपील पर कारपेट व्यवसायियों सहित सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी और ढेर सारे पार्टियों के लोगों ने लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व पूर्व भाजपा विधायक भदोही रविंद्रनाथ त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से 2,11,000 की आर्थिक सहायता राशि डीएम को सौंपा है। खबर भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। जिलाधिकारी राठी की अपील पर दानकर्ताओं में जमीला रग्स इंडिया के कालीन उद्यमी मोहम्मद अतहर अंसारी द्वारा 2,50,000 रुपया, जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 55,660 रुपये, कालीन उद्यमी जावेद बाबू उर्फ जावेद अंसारी द्वारा 25,000 रुपये, विनोद कुमार मिश्रा द्वारा 50,000 रुपये, आशीष कुमार सिंह जिला पंचायत सदस्य सुरियावा द्वारा 11,000 रुपये, विनोद कुमार मिश्रा ने 25,000, आशीष कुमार सिंह जिला पंचायत सदस्य सुरियावा द्वारा 11,000, अधिशासी अभियंता जल निगम मुजीब अहमद द्वारा 5,000, कौम जिला अर्थ संख्या अधिकारी ने 5,000, नीलम सिंह शिक्षिका यूपीएस बारी गांव वड़ाई द्वारा 5,000 रुपए, खंड शिक्षा अधिकारी फरहा रईस द्वारा 1,100 रुपए सहित सैकड़ों लोगों ने चेक ऑनलाइन माध्यम से सहायता राशि ट्रांसफर किया है। कहा कि हमारा उद्देश्य उन पीड़ितों तक मदद पहुंचाना है जिन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई पीड़ित परिवारों के लिए दिन रात गुजारना बड़ा मुश्किल है। उनके मुश्किलों को कम करने के लिए हम सहर्ष और सदैव तैयार रहेंगे। आज राशि कितना दिए हैं? आज हमने जो जले हुए उनके पीड़ितों के लिए 2,11,000 रुपए का योगदान किए हैं और भविष्य में करते भी रहेंगे। उनके बारे में बता दीजिए और आई वाले समय जो घटना हुई थी उसमें कुछ बारे में बता दीजिए। ये जिले की सबसे बहुत बड़ी त्रासदी है, ऐसा अभी आज तक अभी कभी जिले में हुआ नहीं था। ये पूरे जिले वासियों के लिए सबसे बहुत बड़ी दुखद घटना है। पूरा जिला वासी, पूरे भदोही के जनपद वासी सभी लोग दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि उसमें जिलाधिकारी महोदय तुरंत कार्रवाई किए, करीब 1.25 घंटा के अंदर वहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ साथ सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ से लेकर के बनारस तक, प्रयागराज तक, यहाँ जीवनदीप और सूर्या हॉस्पिटल में सभी लोगों को जहाँ एडजस्ट करना पड़ा, सब लोगों को एडजस्ट करके उन लोगों की दवा दर्पण माने तुरंत चालू हुआ। लगभग 2 घंटे के अंदर सब करीब करीब सब जगह शिफ्ट भी हो गए। और जिलाधिकारी महोदय ऐसे हैं कि इनका कार्य बहुत बड़ा सराहनीय है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।